यकम शवाल उल मुकर्रम 1445 हिजरी 10 अप्रैल 2024 बरोज बुध को होगी इंशाअल्लाह। आपको और अहले इस्लाम को यकम शवाल उल मुकर्रम ईद उल फितर मुबारक हो। पाकिस्तान में शवाल का चांद नजर आ गया। मुल्क भर में आज ईद उल फितर मनाई जाएगी। मुल्क के कई इलाकों में चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई। चांद की रुयत का बाजाबता ऐलान मरकजी रुयत हलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने किया। कराची, फैसलाबाद, दीर, स्कर्दू से चांद की शहादतें मौसूल हुई। एक न्यूज की तरफ से नाजरीन को मीठी ईद की खुशियाँ मुबारक। चांद का ऐलान होते ही बाजारों में रश। मुल्क भर में ईद शॉपिंग का फाइनल राउंड। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पिशावर, कोयटा समेत शहर शहर बाजारों में गहमा गहमी। शॉपिंग मॉल में भी रौनकें उरूज पर पहुंच गईं। खवातीन की तरफ से मलबूसात, जूतों और ज्वेलरी की खरीदारी। मर्द और बच्चे भी मनपसंद अशिया खरीदने में मसरूफ। रेडीमेड मलबूसात की दुकानों पर रश। शॉपिंग तो हो गई पूरी, अब सजना संवरना जरूरी। ईद के मौके पर मुल्क भर में ब्यूटी पार्लर में भी रश। खवातीन की आर्टिफिशियल नेल, फेशियल, पेडिक्योर और मेडिक्योर में दिलचस्पी। मेहंदी लगवाने और जुल्फे तराशने का सिलसिला भी जारी। गुजरावाला की वेट लिफ्टर नेशनल चैंपियन शफीक भट्ट कहती हैं, साल में ईद ही वो त्यौहार है जिसमें खेलों की सरगर्मियाँ छोड़कर सजने संवरने को दिल करता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की उम्मत मुस्लिमा को ईद की मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा, दुआगो हूँ ये दिन हमारे लिए ढेरों बरकतें, खुशियाँ, अम और सलामती लाए। पूरी पाकिस्तानी कौम गजा और फलस्तीन के मजलूम आवाम के साथ यकजहती का इजहार करती है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, ईद हमदर्दी, भाईचारे और रंजिशें भुलाकर इकट्ठा होने का नाम है। इस मौके पर हमें मुआशी तौर पर कमजोर बहन भाइयों की मदद करना चाहिए। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ की तरफ से कौम को ईद की खुशियां मुबारक। ISPR की तरफ से जारी पैगाम में कहा गया, कौमी हीरोज मुसल्ला फौज और कौम के लिए मशाल हैं। इस पर मुसर्रत मौका पर कौमी हीरोज के गैर मुतजलजल अज़्म को याद रखें। इन जवानों और इनके अहले खाना की कुर्बानियों पर पूरी कौम शुक्रगुजार है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ईद की नमाज नवाब शाह में अदा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ जाती उम्रा में नमाज ईद अदा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ईद के मौके पर जाती उम्रा रायवंड में मौजूद होंगी। हसन नवाज, हुसैन नवाज, हमजा शहबाज और सुलेमान शहबाज भी जाती उम्रा में नमाज ईद अदा करेंगे। फिक्र कौमी असम्बली अयाज सदीक लाहौर, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ सियालकोट में नमाज ईद अदा करेंगे। चांद तो नजर आ गया, अब बादल भी नजर आएंगे। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज से बारिशों की पेशगोई। कराची, पेशावर, फैसलाबाद, मुल्तान और दीगर शहरों में बादल बरसेंगे। बारिशों का सिलसिला 15 अप्रैल तक जारी रहने की तवक्को। बारिशों से बालाई अजला में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। इंतजामिया को पेश की तैयारियों की हिदायत कर दी गई। पाकिस्तान रेलवे के मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर। ईद उल फितर के 3 दिनों में किरायों में 25% कमी का ऐलान। हुकाम के मुताबिक किरायों में रियायत तमाम मुसाफिर ट्रेनों की तमाम क्लासेस के लिए होगी। रियायत का इतलाक ईद स्पेशल ट्रेनों पर नहीं होगा। शवाल का चांद नजर आते ही एतकाफ की बहारें खत्म। मुतकफीन को लेने लोगों की बड़ी तादाद मसाजिद में पहुंची। फूलों के हार पहनाकर घर ले जाया गया। लाहौर, कराची समेत मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में हजारों नौजवान और बच्चे एतकाफ पर बैठे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों के खत पर अजखुद नोटिस। जराए के मुताबिक जस्टिस शाह अफरीदी ने अजखुद नोटिस की समाज से माजरत कर ली। नोट में कहा, कुछ जजेस ने अपने खत में कोड ऑफ कंडक्ट तरतीब देने की बात की है। इंतजामी मामले पर अदालती कार्रवाई से मनफी तासुर जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को मामले की जुडिशियल सतह पर चलाने से गुरेज करना चाहिए। मौजूदा केस में सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 184(3) का इख्तियार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार को सेनेट में क़ायद-ए-ऐवान मुकर्रर कर दिया। बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी।
नोटिफिकेशन के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार वज़ीर आज़म की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर ख़ारजा ऐवान बाला में हुकूमती सरगर्मियों को रेगुलेट करेंगे।